हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़े हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक का आज है लेक्चर नंबर 16। इसमें हम लोग ग्रुप 16 को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखने सीख ली थी, और हम लोगों ने पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस आयनिक रेडियस पढ़ ली थी, आज हम लोग और ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग लगाइए सभी लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर आप ट्रेंड देखो तो इसमें आपको मिलता है एक्सेप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेगा, लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए, क्या कह सकते हैं हम लोग कि एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैशियस न्यूट्रल एटम। अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, देखिए लिखिए सभी लोग, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैशियस न्यूट्रल एटम। जब आप गैशियस न्यूट्रल एटम में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए, यहाँ एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा सल्फर होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ओके, तो देखिए, आपका असली ट्रेंड क्या है, जब आप सल्फर से पोलोनियम की तरफ बढ़ते हो, ऑक्सीजन की बात अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, जब आप सल्फर से पोलोनियम की तरफ बढ़ते हो, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका करेक्ट ट्रेंड क्या है, सल्फर, ओके, उसके बाद सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सबसे लास्ट में बहता है, इसकी सबसे कम, यानी क्या कहें, इसकी सबसे कम क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखिए इस चीज़ को कि जो आपका ऑक्सीजन है इसकी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ पीपी रिपल्शन। किस वजह से, देखिए, बिकॉज ऑफ पीपी रिपल्शन, पीपी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ओके, रिपल्शन। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन की बात करें तो देखिए, हमारा जो ऑक्सीजन है इसके पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है, देखिए क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, लास्ट की बात करें 2s2 2p4। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा, किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। लेकिन अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो यहाँ क्या है, 3s2 3p4। आपका 3d किस में पड़ा है, जीरो में पड़ा है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो p में ना ऐड होके 3d में भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ 3d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, सिर्फ p ऑर्बिटल होती है। इस वजह से pp रिपल्शन की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन होगा, और जो एनर्जी है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और क्या होगा इसमें कि आपका जो एनर्जी है इसमें सबसे कम रिलीज होती है। ओके, तो सभी को समझ में आई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में एक्सेप्शन जो था, ये देखिए ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, मैं इसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट इसको कर लें। ये मेन चीज़ है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये मेन ऑर्डर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कशन किया था, कोवेलेंट रेडियस, सेकंड पॉइंट आयनिक रेडियस, थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ पॉइंट देखिए सभी लोग, फोर्थ पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल सा ट्रेंड आपने फॉर्मूला सुना होगा, दैट ई एन
इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, कि अगर आपका एटॉमिक साइज घटेगा तो आपकी जो EN है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपका जो EN है वो घटेगा, ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में, ये क्या है, देखिए, अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है, तो देखिए आप जब नीचे बढ़ रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो आपका EN है वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो इसी तरह का ट्रेंड आपका आता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कि जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम बढ़ते हो तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। देखिए करेक्ट ट्रेंड हम लोग लिख दें तो O, फिर S, फिर आपकी Se, टेलेनियम और फिर पोलोनियम, ठीक, सभी को समझ में आई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, ठीक है। देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी ये हमारा कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, राइट, इंथैल्पी। तो देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे पहले होती क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सल्फर है, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया, ग्रुप 15 में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसमें भी आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है। जब आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम जाते हो तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, आपका साइज बढ़ जाता है, इस वजह से आपकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम जाते हो क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें तो जो आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 16 की कम होती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15। आयनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, सभी को इसका आंसर पता होगा, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। देखिए इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, NS2NP3, इसमें हम लोग कितने भरते हैं, NS2NP4, यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ कितने हैं, 3 हैं। ड्यू टू एक्स्ट्रा फिल्ड हाफ ऑर्बिटल, इस वजह से हमारा जो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16। ओके, हम लोग 6 पॉइंट डिस्कशन करते हैं जो कि है डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो देखिए जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम बढ़ते हो जो आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, आपका इंक्रीज़ होता है, इस वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो सिंपली आपकी इंक्रीज़ होती है। तो कॉमन सेंस है, देखिए जब आप जा रहे हो आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन टू पोलोनियम बढ़ रहे हो, आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एक न्यू शेल आ रही है, इस वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है सिंपली, ठीक है। फिर देखिए 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इन दोनों में आपको एक्सेप्शन मिलता है, तो देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का एक जैसा ही होता है। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, देखिए एक्सपेक्टेड ये था कि ये होगा, लेकिन ये नहीं होता है, ये क्या था आपका, एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये होता नहीं है। इसका करेक्ट एंड क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पहले आपका पोलोनियम आता है फिर टेलेनियम आता है। देखिए टेलेनियम आपका क्या है, एक मेटल है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों ज़्यादा होता है। और ध्यान रखिए चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों का ट्रेंड आपका सेम होता है, यही ट्रेंड आपका होता है। तो देखिए एक और चीज़ आप देखिए, जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या है, गैस है, ठीक है, आपका सल्फर सॉलिड होता है। अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी बात करें तो देखिए ये आपके नॉन मेटल्स हैं, दोनों ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हैं, राइट। फिर अगर हम लोग सेलेनियम और पोलोनियम की बात करें तो ये क्या है, ये है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और जो हमारा
टेलेनियम है ये क्या है? सेलेनियम और पोलोनियम मेटल वर्ड्स हैं, टेलेनियम हमारा क्या है? मेटल है। इस वजह से इसमें आपको एक्सेप्शन दिखता है, तो इस एक्सेप्शन को नोट करिएगा, और जहाँ जहाँ मैंने आपको जो जो चीज़ें समझाई हैं उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे हम लोग न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हों उन्हें क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।